हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं नेचुरल बॉडी एस्थेटिक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। जितने भी बिगनर्स हैं जो अभी जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर बॉयज़ गर्ल्स हैं जिन्होंने कभी भी जिम नहीं किया हुआ और जिनसे पुशअप का एक रैप भी नहीं निकलता है, जो जैसे ही पुशअप लगाने की कोशिश करते हैं वैसे ही ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो मैं उनके लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ कि वो अपने पुशअप्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और वो कैसे पुशअप्स के एक रैप से लेकर 10 रैप 20 रैप 30 रैप तक पहुँच सकते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में वीडियो बताऊँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके जो पुशअप्स हैं वो ज़रूर इम्प्रूव होंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जब आप पुशअप्स लगाते हो तो आपके कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी मसल यूज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स, टोटल आपको मैं 3 या 4 टिप्स बताऊंगा जिससे आप बेसिक जो पुशअप होंगे उसको इम्प्रूव कर लोगे। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेंगे। जैसे मैंने वॉल का सपोर्ट लिया है, आप किसी भी चेयर टेबल का सपोर्ट ले सकते हो। तो आपको सिंपली उसमें ऐसे इस तरह से हैंड्स रखने हैं और आपकी जो लेग्स हैं लेग्स को आपने बिल्कुल पास नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ऐसे काफ़ी ईजी हो जाएगा, आपको लेग्स को थोड़ा सा पीछे रखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से ये नीचे जाना है और वापस आपको ऊपर स्ट्रेट आना है, ये नीचे और ये ऊपर स्टेट, ठीक है। अगर आप ये पुशअप्स इजीली तरीके से निकाल सकते हो तो उसके बाद आपको सेकंड पुशअप पे आना है, जो कि आपके पुशअप हैं नी पुशअप। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपके हैंड्स होंगे उनको आपको शोल्डर बिट से थोड़ा सा बाहर रखना है, ठीक है। ये रखा और ये रखा, और जो आपके हैंड्स हैं इसको हमने चेस्ट के बिल्कुल सामने यहाँ रखना, ठीक है। उसके बाद आपने अपने लेग्स को ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है और सिंपली आपने ये पुशअप लगाने हैं। इसमें क्या होगा कि आपका ये लगेगा और ये हिप्स को आपने आगे लेना है और ये ठीक है। इस तरह से आपके सेकंड पुशअप हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये नीज वाले भी इजिली पुशअप लगा लेते हो तो आपके जो थर्ड पुशअप होंगे वो होंगे आपके कीपिंग पुशअप्स। कीपिंग पुशअप्स किस तरह से करने हैं, इसमें आपको सिंपली आपने लेटना है ऐसे करके, हैंड्स अपने चेस्ट के यहाँ रखनी है साइड पे, और आपने सबसे पहले चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करना है, फिर लेग्स को ऊपर लिफ्ट करना है, फिर वापस नीचे। सबसे पहले चेस्ट को ऊपर, फिर लेग्स को ऊपर, ये ये ये, ठीक है। जब आपके ये पुशअप्स भी हो गए तो आप इजीली अब पुशअप्स लगाने के लिए रेडी हो, तो तब आप अपने बेसिक पुशअप्स पे आओगे। और उसको आपको जैसे कि पता है कि सेम प्रोसीजर होगा, बाजुओं को आपको शोल्डर से थोड़ा बाहर रखना है इस तरह से, और आपको सिंपली फुल बॉडी को नीचे लेके जाना है और स्ट्रेट ऊपर फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना है आपको ये। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पुशअप लगाओगे तो आपको जो अपने हैंड्स हैं उनको आपको पीछे से देख सकते हो आप, उन अपने हैंड्स को आपने ऐसे नहीं रखना है, आपने अपने हैंड्स को ये चिपकाए थोड़े से बाहर रखने हैं फिर पुशअप लगाने हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप जो आपके पुशअप्स हैं वो इम्प्रूव होंगे ये सब पुशअप्स को लगाकर। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बोनस टिप देता हूँ, अगर आपके रिस्ट में पेन होती है पुशअप्स के टाइम, जब भी आप पुशअप्स लगाते हो तो आपको रिस्ट में पेन होती है, तो उसके लिए आप रिस्ट बैंड पहन सकते हो रिस्ट में और पुशअप लगा सकते हो, उससे आपको रिस्ट में पेन कम हो जाएगी या फिर होगी नहीं। और या फिर आप हाथ में डंबल या फिर ब्रिक कोई भी चीज़ पकड़ कर पुशअप लगा सकते हो, तो उससे भी जो आपके रिस्ट में पेन है वो कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।